नमस्कार बच्चों, मैं राकेश पुनिया आप सभी का अच्छी शिक्षा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एंगुलर मोशन के बारे में। मेरे शेर शेरणियों, आज इस क्लास को आप ध्यान से देखना, क्योंकि एंगुलर मोशन एक बार पढ़ने की आवश्यकता है आपको। सिर्फ एक क्लास को एक बार नजरों से निकाल दोगे ना, उससे बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, आपको दोबारा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कंटिन्यू अगर आप निरंतर क्लास पढ़ते रहे तो पर क्लास से बनने वाले क्वेश्चन आपके पर टॉपिक से क्लियर होंगे। बच्चों आज की वीडियो में हम एंगुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। एंगुलर मोशन होता है कोणीय गति के बारे में। एंगुलर मोशन का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? कोणीय गति। हिंदी में क्या कहेंगे? कोणीय गति। देखिए एंगुलर मोशन होता है क्या है, पीछे हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी स्ट्रेट लाइन में, किसी सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, किसी एक ही दिशा के अंदर वो गति करता है, तो वो कौन सा मोशन होता है? वो रेखीय गति होती है। रेखीय गति होती है। और एंगुलर मोशन एंगल मेंशन के साथ, एक एंगल के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो एंगल बनाता है, तो वो कौन सा मोशन होगा? एंगुलर मोशन होगा, कोणीय गति होगी। देखिए सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन के बारे में। थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन के बारे में। लीनियर मोशन कोणीय गति हो गया आपका, और ये हो गया सॉरी रेखीय गति, रेखीय गति। और एंगुलर मोशन हो गया आपका कोणीय गति। एंगुलर मोशन हो गया कोणीय गति, कोणीय गति हो गया। तो डिफरेंस सबसे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जब लीनियर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से ट्रेवल करता है, चलता है, तो कुछ ना कुछ विस्थापन को कवर करता है, कुछ ना कुछ विस्थापन को कवर करता है। और विस्थापन को डिनोट करते हैं बच्चों किससे? डी से डिनोट करते हैं। विस्थापन के मात्रक की बात करें तो क्या होता है? मीटर। विस्थापन के मात्रक की बात करें मीटर, और विमीय सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? एल वन, क्योंकि मास जीरो है और टाइम भी क्या है? जीरो। तो विस्थापन का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? L1 हो जाएगा लीनियर मोशन में। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोणीय विस्थापन की, किसकी बात करें? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को डिनोट करते हैं डी थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? डी थीटा से। इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया एक एक्सिस के ऊपर, जिस तरीके से देखिए एक एक्सिस, एक सेंटर पॉइंट से कोई बॉडी चली, ये ए बॉडी है यहाँ पे, और कुछ समय बाद ये बी पोजीशन पे आ जाती है, कुछ समय बाद कहाँ पे आ जाती है? बी पोजीशन पे। जब ये सर्कुलर पथ पे क्या कर रही है? कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, देखो इसने यहाँ पे क्या बनाया है? एक एंगल बनाया है। क्या बनाया है? एंगल बनाया है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस बॉडी, ये बी पॉइंट पे आई, थोड़ी देर बाद ये बॉडी सी पॉइंट पे आ जाती है। कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है उसको कौन मेंशन कर रहा है? यहाँ पे एंगल मेंशन कर रहा है। कौन मेंशन कर रहा है? एंगल। इसलिए डिस्प्ले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे? डी थीटा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? डी थीटा से डिनोट करेंगे। यूनिट की मैं बात करूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की बात करूं तो रेडियन होती है। क्या होती है बच्चों? रेडियन होती है। वैसे तो कोई भी यूनिट नहीं होती, लेकिन रेडियन हम लिखते हैं क्योंकि एंगल को मेजर किया जाता है किसमें? रेडियन में मेजर किया जाता है। याद रखना एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई यूनिट नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन एंगल को मेजर करने के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो हम लिखते हैं क्या? रेडियन। उसके साथ ही किसी भी प्रकार का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, विमीय सूत्र नहीं होता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है, याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? वेलोसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी, वेग। लीनियर रेखीय वेलोसिटी, रेखीय वेग की बात करें, रेखीय वेग की बात करें। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? देखिए पर सेकंड कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट, किसी वस्तु के द्वारा पर सेकंड कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है आपका? वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? वेलोसिटी। वी से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू पर सेकंड तय किया गया डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे किसमें? मीटर में। और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर
सेकंड, मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यहां से डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, विमीय सूत्र ग्राफ निकालेंगे, तो m जीरो मास नहीं है यहाँ पे, लेंथ वन मीटर का लेंथ हो गया और टाइम ऊपर जाएगा t माइनस वन। ये क्या है? विमीय सूत्र है बच्चों। क्या है? विमीय सूत्र किसका? रेखीय वेग का। लिनियर वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और लिनियर वेलोसिटी का यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एम जीरो एल वन टी माइनस वन, टी माइनस वन। इसी तरीके से बात करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, किसकी बात करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, किसकी बात करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। कहने का मतलब है हमारा कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, पर सेकंड किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बच्चों? लीनियर वेलोसिटी कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, पर सेकंड किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ओनली डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे पर सेकंड किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा आपका? एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा, कोणीय वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोणीय वेग कहलाएगा। कोणीय वेग को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? ओमेगा से। याद रखिएगा, कोणीय वेग को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा वाई में टी। क्या हो जाएगा? डी थीटा वाई में टी। अभी हमने बताया डी थीटा विस्थापन की कोई प्रकार की यूनिट नहीं होती है, लेकिन क्या लिखते हैं एंगल को मेजर करने के लिए? रेडियन बाय में टाइम का क्या हो गया? टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड। तो रेडियन बाय सेकंड आपका क्या है? रेडियन बाय सेकंड आपका क्या है? यूनिट है किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। किसका यूनिट है? एंगुलर वेलोसिटी का। यहां से अगर विमीय सूत्र की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, तो यहाँ पे ना तो मास है और ना ही क्या है, लेंथ है। तो आपका हो गया टी माइनस वन, टी माइनस वन टाइम। ये क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग का विमीय सूत्र अगर आपसे पूछा जाए पेपर में, तो आप क्या लिखेंगे? t माइनस वन। मेरे शेर और शेरणियों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है ना बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बड़ा ही मजा आने वाला है मेरी क्लास के अंदर। मैं एक एक बात आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा बेटा, डेफिनेटली कह सकता हूँ। अगर समझ में ना आए तो कॉमेंट करके आप बता सकते हैं। एनसीईआरटी लेवल का पूरा कोर्स पोर्शन हम करवाएंगे, एनसीईआरटी लेवल का पूरा पोर्शन करवाएंगे। जैसे जैसे ये कंप्लीट होता है लेवल बढ़ाता जाऊंगा, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता जाऊंगा। 1-2 की भी क्या करवाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे ना, तो आप उनको करने में हिचकिचाएंगे नहीं, आपके दिमाग में आंसर सेट होगा और आप यू चुटकियों में उत्तर देंगे बच्चों। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं एसरलेशन की। किसकी बात करते हैं? एसरलेशन की बात करते हैं। देखिए एसरलेशन की बात करें, क्वेश्चन सीरीज भी हम लेके आएंगे। जैसे जैसे बच्चों हमारे टॉपिक पूरे होते जाएंगे, वैसे वैसे हम आपको न्यूमेरिकल और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी जो है वो करवाते रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी करवाते रहेंगे। देखिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं लीनियर एसरलेशन हमारे पास है। लीनियर एसरलेशन यानी कि आपका हो गया, हिंदी में लीनियर एसरलेशन को कहेंगे रेखीय त्वरण। क्या कहेंगे? रेखीय त्वरण। और इधर आपका हो गया एंगुलर एसरलेशन, एंगुलर एसरलेशन कोणीय त्वरण। क्या हो गया आपका? कोणीय त्वरण। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लीनियर एसरलेशन के बारे में। रेखीय त्वरण क्या होता है आपको पता है? रेखीय त्वरण को किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि समय के अनुसार वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा बच्चों? रेखीय त्वरण कहलाएगा। समय के अनुसार वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? रेखीय त्वरण कहलाएगा। डीवी बाय में डीटी। दैट मीन स्मॉल टाइम में चेंज हो रहा है क्या? स्मॉल वेग कुछ समय के अंदर, पर सेकंड के अंदर कुछ क्या हो रहा है हमारे पास? चेंज हो रहा है क्या? वेग चेंज हो रहा है बच्चों। क्या चेंज हो रहा है? वेग चेंज हो रहा है। इसी तरीके से अगर बात करें एंगुलर एसरलेशन के बारे में, इसी तरीके से अगर हम कोणीय वेग के बारे में बात करें, कोणीय त्वरण के बारे में बात करें, तो कोणीय त्वरण को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ
यहाँ पे रेखीय त्वरण को किससे, डीवी यानी कि स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे स्मॉल चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, स्मॉल चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या थी हमारे पास पीछे, ओमेगा थी ना बच्चों, डी थीटा बाई ये हो जाएगा आपका स्मॉल चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा बाय में डीटी, बाय में डीटी। ओमेगा को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, डी थीटा लिख सकते हो, बाय में डीटी, बाय में डीटी ये लिख सकते हो आप। तो ये आपके पास क्या है लीनियर एक्सेलरेशन, और ये आपके पास क्या है बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन। एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रेखीय वेग आप याद रखेंगे, रेखीय वेग इक्वल होता है किसके, कोणीय वेग, कोणीय वेग इनटू में त्रिज्या, इनटू में त्रिज्या, ये बात याद रखेंगे आप। रेखीय वेग किसके बराबर होता है बच्चों, कोणीय वेग इनटू में त्रिज्या के बराबर होता है। कहने का मतलब है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू में रेडियस, इनटू में रेडियस। ये रिलेशन आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार पूछा गया है कि रेखीय वेग यानी कि लीनियर जो आपका वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है, कोणीय वेलोसिटी इनटू में रेडियस, इनटू में रेडियस की आप याद रखेंगे, याद रखने वाली बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, उसके बाद अगर बात करें हम टाइम पीरियड की, लीनियर मोशन में अगर बात करें हम टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड को लीनियर मोशन में किससे डिनोट किया जाता है, टी से डिनोट किया जाता है, टाइम यानी कि समय, और समय को मेजर करते हैं आप सेकंड में। लेकिन अगर बात करें हम कोणीय की, अगर बात करें किसकी, एंगुलर मोशन की, एंगुलर मोशन की बात करें तो एंगुलर मोशन में टाइम को किससे मेजर करते हैं, टाइम पीरियड किससे मेजर करते हैं, टाइम पीरियड। यानी कि एक बॉडी के द्वारा एक सर्कुलर पथ पे लगाया जाने वाला एक चक्कर, एक बॉडी के द्वारा एक सर्कुलर पथ पे लगाया जाने वाला एक चक्कर क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, आवर्त काल। हिंदी में क्या कहेंगे, आवर्त काल कहेंगे। टाइम पीरियड को हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों, आवर्त काल कहेंगे। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद हम इस रिलेशन की बात, देखिए हमने क्या बताया आपको, डिफरेंस बताया है किसके बीच में, एंगुलर मोशन के बीच में और लीनियर मोशन के बीच में, एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन के बीच में हमने थोड़े से डिफरेंस की बात की है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, रेशो बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, रेशो बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, रेशो बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, एंड लीनियर एक्सेलरेशन कि भाई कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण का अनुपात क्या होगा, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण का अनुपात क्या होगा। अभी दो मिनट पहले हमने बात की थी, अभी दो मिनट पहले हमने बात की थी कि रेखीय जो त्वरण है वो किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू में आर, अल्फा इंटू में आर, अल्फा इंटू में आर, त्वरण किसके बराबर है यहाँ पे, अल्फा इंटू में आर। अभी देखिए हमारे पास क्या है, ये तो है रेखीय त्वरण, और ये अल्फा क्या है हमारे पास, ये है कोणीय त्वरण, और ये क्या है हमारे पास त्रिज्या, ये क्या है हमारे पास त्रिज्या। दोनों का रेशो निकालना है बच्चों, तो आपको ऑप्शन दे दिया जिस तरीके से, देखिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको आर, सेकेंड ऑप्शन आपका रहेगा वन बाय आर, थर्ड ऑप्शन रहेगा वन बाय आर स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन जो है आपका रहेगा वो रहेगा अल्फा प्लस आर। तो आपका आंसर यहां से क्या होगा, आर होगा। दोनों के बीच का रेशो निकालेंगे, क्योंकि ये है आपका एंगुलर सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन बाय दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू आर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आर होगा बच्चों। रेशो बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि रेखीय त्वरण और आपका कोणीय त्वरण के बीच का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो क्या होगा, आर के इक्वल होगा, त्रिज्या के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, त्रिज्या के इक्वल होगा। ये आप लोग जो है वो याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आवर्त काल और कोणीय वेग के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई आवर्त काल और कोणीय वेग का क्या रिलेशन होता है। दो चीज है हमारे पास, एक तो है आवर्त काल यानी कि टाइम पीरियड, और दूसरा क्या है, कोणीय वेग यानी कि
वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि टाइम पीरियड और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πn / T, 2πn / T। 2πr क्या है यहाँ पे, परिधि, पूरे चक्कर की परिधि। देखिए यहां से कोई ऑब्जेक्ट जब पूरा का पूरा चक्कर लगाएगा ना तो परिधि कितनी होगी इसकी, 2πr। अगर वो एक चक्कर लगाता है तो 2πr, अगर वो n चक्कर लगा रहा है, n टर्न्स के लिए अगर हम बात करें तो 2πn, तो कितना होगा आपका 2πn। तो यहां से देखिए ओमेगा यानी कि वेग जो है आपका वो आवर्तकाल के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युक्त कर्मानुपाती है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है बच्चों, दोनों एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। कहने का मतलब है कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आवर्तकाल को बढ़ा दिया जाए तो आपका कोणीय वेग घट जाएगा। क्या आवर्तकाल लिख सकते हैं आप, आवर्तकाल बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज होगा टाइम पीरियड, तो क्या घट जाएगा आपका कोणीय वेग, क्या घट जाएगा कोणीय वेग। और अगर आप कोणीय वेग को बढ़ा देंगे तो आपका घट जाएगा क्या, आवर्तकाल, क्या घट जाएगा आवर्तकाल। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी कि भाई आवर्तकाल और एंगुलर वेलोसिटी में, एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है दोनों का। तो संबंध ये है दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। आवर्तकाल को बढ़ा देंगे तो कोणीय वेग घट जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी, और अगर आवर्तकाल को घटा देंगे तो कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है आपकी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो था हमारे पास लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के बीच थोड़ा सा डिफरेंस हमने बात की थी। अब विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे एंगुलर मोशन के बारे में, अब थोड़ा विस्तृत तौर पे किसके बारे में चर्चा करेंगे, एंगुलर मोशन के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। फुल एनर्जी के साथ पढ़ो, मजा आ जाएगा जीवन में पढ़ने से, कहते हैं ना अगर मन लगा के पढ़ोगे तो जिंदगी में किसी के समक्ष हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी, आनंद के साथ पढ़ेंगे तो जीवन खुश में बीतेगा। कहते हैं ना कि आनंद के बगैर कुछ नहीं है, अगर आनंद आ रहा है तो सारा कुछ राम नाम है, अगर आनंद नहीं आ रहा है तो भाई कुछ नहीं है। खेल रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, पी रहे हो, हर चीज में आनंद आना चाहिए। पढ़ रहे हो तो भी आनंद के साथ पढ़ो कि भाई सर पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, एक एक चीज हमारी क्लियर होगी। अगर टॉपिक क्लियर है तो टॉपिक से निकलने वाले न्यूमेरिकल, टॉपिक से निकलने वाला हर एक क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्लियर होगा। अब देखिए एंगुलर मोशन को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। एंगुलर मोशन टू टाइप का हमारे पास होता है, पहला कौन सा, सर्कुलर, कौन सा, सर्कुलर, और दूसरा रोटेशनल। दूसरा कौन सा होता है, रोटेशनल यानी कि एंगुलर मोशन वर्तीय पथ पर, और दूसरा एंगुलर मोशन रोटेशनल का मीन यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोशन वर्तीय पथ पर हो गया और रोटेशनल का मीन है घूर्णन। रोटेशनल का मीन क्या है यहाँ पे, घूर्णन, कि घूर्णन गति और इधर देखिए वर्तीय गति, घूर्णन गति और वर्तीय गति, याद रखेंगे आप। कोणीय गति के दो पार्ट कौन कौन से, पहला वर्तीय गति और दूसरा घूर्णन गति, दूसरा घूर्णन गति क्या होती है। देखिए सर्कुलर वर्तीय गति की अगर हम बात करें, एक सर्कल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, देखिए ये सर्कल, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन के अंदर आप एक चीज याद रखेंगे, दो ऑब्जेक्ट, मिनिमम दो ऑब्जेक्ट काम करेंगे। कहने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट को एक्स मान के, एक ऑब्जेक्ट को एक्सिस मान करके दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये ए है और ये है आपका बी ऑब्जेक्ट, तो ए ऑब्जेक्ट को एक्सिस मान के ये बी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, रोटेट करेगा बच्चों। रोटेट नहीं, सर्कल में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, क्या करेगा, चक्कर लगाएगा यानी कि रिवॉल्यूशन करेगा, क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा। जिस तरीके से ये आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस को एक्सिस मान करके इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, नाभिक के चारों ओर लिखेंगे,
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। दूसरी बात जो हमारी है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का रिवॉल्यूशन याद नहीं रखेंगे, रिवॉल्यूशन यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है 365 दिन में, कितने दिन में, 365 दिन में जो रिवॉल्यूशन है वो कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे क्या, मोटरसाइकिल सवार का मौत के कुएं में चक्कर लगाना, उसी के साथ साथ आप क्या याद रखेंगे, मोटरसाइकिल सवार का मौत के कुएं में चक्कर लगाना, ये आप याद रखेंगे। दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं, रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें, घूर्णन गति की अगर हम बच्चों बात करें, तो ये देखो सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे को एक्सिस मान करके क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट अपने ही अराउंड अपने ही एक्सिस पे क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, अपने ही एक्स पे क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। जिस तरीके से सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर पृथ्वी अपने ही अगर एक्स पे, अपने एक्स पे घूमे, पृथ्वी अपने एक्स में कितने घंटे में चक्कर काट लेती है, 24 घंटे में, कितने घंटे में चक्कर काटती है, 24 घंटे में, दिन रात का 24 घंटे में जो रोटेशन होता है, दिन रात का काल इसी वजह से होता है। और यहाँ 365 दिन के अंदर जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है ना बच्चों, तो ऋतुएं चेंज होती हैं। क्या चेंज होती हैं, सीजन्स जो है वो चेंज होते हैं। तो हमने बात की पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं यहाँ पे, एक कौन सी, रिवॉल्यूशन, और दूसरी कौन सी, रोटेशन। दूसरी कौन सी, रोटेशन। एक हो गया आपका रोटेशन यानी कि परिभ्रमण, परिभ्रमण, और रिवॉल्यूशन हो गया आपका परिक्रमण। रिवॉल्यूशन क्या हो गया, परिक्रमण। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपना परिक्रमण पूरा करती है कितने समय में, 365 दिन में। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर अपना परिभ्रमण पूरा करती है कितने समय में, 24 घंटे में, कितने समय में, 24 घंटे में। कहने का मतलब है सुई का उदाहरण के तौर पे लिखेंगे, सुई का अपने अक्ष पर घूमना, क्या है, रोटेशनल मोशन है। क्या है, रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति है। पहिए का घूमना, आपका जो गाड़ी का पहिया होता है, पहिए का घूमना, उसी के साथ साथ फैन पंखे का घूमना, सभी के सभी उदाहरण है बच्चों किसके, रोटेशनल मोशन के। जब आप बच्चे होते थे, आज दीपावली का मौका है, तो एक छोटी सी एक फिरकी आती थी जिसको बच्चे चलाते थे, वो अपने एक्सिस पे घूमती है, फिरकी का घूमना। ये सभी के सभी उदाहरण है बच्चों किसके, रोटेशनल मोशन के। यहां से आप एक चीज और याद रखोगे, नंबर चार पे, आप किसी धागे से पत्थर बांध करके घुमाते हो, पत्थर को धागे से लपेट कर घुमाना किसका उदाहरण है, सर्कुलर मोशन का। और ये देखिए, सुई का अपने एक्सिस पे घूमना, पहिए का घूमना, पंखे का अपने एक्सिस पे घूमना, फिरकी का अपने एक्सिस पे घूमना किसका उदाहरण है, रोटेशनल मोशन का। किसका उदाहरण है बच्चों, रोटेशनल मोशन का। उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा बात करते हैं वर्तीय पथ के बारे में, एंगुलर मोशन में थोड़ा आगे बढ़ते हुए। ये तो हमने जान लिया भाई एंगुलर और रोटेशनल मोशन होता है क्या। अब देखिए कि एंगुलर मोशन में हम आगे जानते हैं कि भाई किस तरीके से एंगुलर मोशन काम करता है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट जब वर्तीय पथ पर घूमता है ना बच्चों, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक सर्कल है, और इस सर्कल के ऊपर ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है इस सेंटर को एक्सिस मान करके, तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं बच्चों। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक बाहर की तरफ लग रहा है, एक अंदर की तरफ। भारी जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हिंदी में कहेंगे अपकेंद्रीय बल। और अंदर केंद्र की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स।
फोर्स, कौन सा है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। और दोनों ही फोर्स यहां क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए ये मान लेते हैं इसको फोर्स ये वन हो गया और ये टू हो गया, दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, दोनों का रिजल्टेंट। लेकिन यहां पे एक बात और भी याद रखेंगे, दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगे। क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में भी दोनों फोर्स एक दूसरे के होंगे। इसीलिए जो रिजल्टेंट होगा, टोटल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। टोटल रिजल्टेंट जो होगा फोर्स का वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो हम कह सकते हैं याद रखने योग्य क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है बच्चों काफी एग्जाम में, पीछे राजस्थान स्टेट का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन की वर्तीय पथ पे एक सर्कुलर पथ के ऊपर जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा, तो जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। एक सर्कुलर मोशन पे, एक सर्कुलर पथ पे किसी बॉडी के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि वर्क क्या होता है बच्चों, F इंटू में D। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स कितना है, जीरो। और अगर आपका फोर्स जीरो है तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आज आपकी क्लास सर्कुलर मोशन के बारे में हमने पढ़ा, उसी के साथ साथ एंगुलर मोशन में हमने दो पार्ट पढ़े, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, और इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ा। जरूर आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी बच्चों। एनर्जी के साथ लगे रहो, दिन रात लगे रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, अपनों को खुश रखो, खुद खुश रहो, क्योंकि खुद खुश रहोगे तभी अपने खुश रहेंगे। मेरे लाडलो, लव यू सभी को। जय हिंद, जय भारत।